हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अल्लाह ना करे कोई चोर उचक्का पार्टी सदर बन जाए, कोई डकैत पार्टी सदर बनकर हुकूमत करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के इंतखाबी इस्लाहात केस में रिमांड। जस्टिस एजाज ने कहा ना अहम शख्स अराकीन पार्लियामेंट से वो कराएगा जो वो खुद नहीं कर सकता। आर्टिकल 204 के तहत सजा पाने वाला रियासत से वफादार नहीं। इदारों पर हमला करने पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का भी इशारा कर दिया। जुबान इमरान खान भी इस्तेमाल करता रहा है जो आज ये कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि एक सियासत इमरान खान, सियासतदान इमरान खान और एक चीफ जस्टिस के इस तरह के जो जुबान है, दोनों में फर्क क्या रह जाता है। नवाज शरीफ की एक बार फिर अगलिया पर तनकीद, कहा कि जज साहिबान जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें जेब नहीं देती। क्या पीसीओ जजेस हमें अखलाकियात का दर्स देंगे? अगर जजेज और इमरान खान एक ही जबान इस्तेमाल करें तो उनमें क्या फर्क रह जाता है? वो कोई और होंगे जो समझौता कर ले, हम समझौता करने वाले लोग नहीं। ऐसा पैसा खर्च किया लोगों को बदलाने में, चेंज करवाने में, ये वोट लेने में, सिर्फ मकसद एक है कि अदलिया के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि किसी तरह NRO मिल जाए। नवाज शरीफ NRO के लिए अदलिया पर दबाव डाल रहे हैं। मुल्क में मुझे क्यों निकाला का ड्रामा हो रहा है। हुकूमत की तमाम तवज्जो करप्ट शख्स को बचाने पर मरकूज है। इमरान खान फिर नवाज शरीफ पर बरस पड़े, कहा बड़ा भाई अदलिया पर हमले कर रहा है और छोटा भाई लोगों को कत्ल करवा रहा है। कि जितना आपने झूठ बोल लिया और जितना झूठ और बोलना बोल के खुदा के वास्ते इस कौम पर रहम करें और घर चले जाएं, क्योंकि ये सियासत आपका काम नहीं है। नियाजी साहब, इतना झूठ बोल लिया अब घर चले जाएं, सियासत आपके बस की बात नहीं, आप तो झूठों के IG हैं। शहबाज शरीफ ने कप्तान को निशाने पर रख लिया, कहा अगला इलेक्शन जीत कर पेशावर को लाहौर बनाएंगे, वहाँ भी मेट्रो बस बनाएंगे। इलेक्शन में आवाम झूठ की सियासत मुस्तरद कर देंगे। बुजदिल दुश्मन भारत सफाकियत पर उतर आया। NOC के बटल सेक्टर में मासूम तुलबा को ले जाने वाली स्कूल वैन को निशाना बनाया। तुलबा को बचाते हुए ड्राइवर ने अपनी जान निछावर कर दी। तर्जुमान ISPR कहते हैं फायरिंग भारत की गैर इखलाकी और गैर पेशावराना सोच की अक्कास है। वज़ीर-ए-आज़म की भारतीय इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत, कहा ऐसी गैर अखलाकी हरकत ने भारतीय सफाकियत का चेहरा दुनिया भर में बेनकाब कर दिया। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की भी दफ्तर खारिजा तलबी, भारत जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी न करे, जंग के दौरान भी स्कूल्स और अस्पतालों पर हमले नहीं किए जाते। एमक्यूएम में क़यादत की जंग में लफ्जी गोलाबारी, जो सरबरा को निकाल दे वो कारकुनों के साथ क्या सलूक करेंगे, फारूक सत्तार का सवाल। फैसल सरजवारी ने कहा फारूक सत्तार का हयात सरबरा नहीं थे, उन्हें डिप्टी कन्वीनर समेत दीगर ओहदों की पेशकश की है। वादा किया यकीन दिलाया लेकिन फिर लौट के नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन हकानी के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म दे दिया। मेमोगेट स्कैंडल में FIA ने इंटरपोल को खत भी लिख दिया।
जैनब के कातिल इमरान को क्या सजा मिलेगी? अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। हफ्ते को कोर्ट लखपत जेल में सुनाया जाएगा। गरीब खवातीन को झांसा दिया, रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला। अदालत ने गिरफ्तार तीन मुलजिमान को 11 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वजीर आला की हिदायत पर आरपीओ शेखुपुरा की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी कायम। मुतासिर खवातीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। कराची पुलिस पर एक और मुबैना, मावराए अदालत कत्ल का इल्जाम। पुलिस ने मूसा नामी शहरी को 2 रोज कबल घर से उठाया। आज तशद्दुद ज़दा लाश नॉर्दर्न बाईपास के करीब से मिली। लवायकीन का सुपर हाईवे पर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। कराची में कातिल ट्रक ने बाप बेटी को रांध डाला, दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वाकई की सीसीटीवी ने ट्रक ड्राइवर की गफलत आया कर दी। फैसलाबाद में तेज रफ्तार बस ने एक और कीमती जिंदगी कुचल डाली। 10 साल बच्चे की मौत पर अहले खाना मुश्तइल, बस को आग लगा दी। ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लाहौर में शहरी की दरखास्त पर एफआईए का एक्शन, लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। हमाद फरोख्त किए गए मोबाइल का डाटा रिकवर करता था। लड़की की तस्वीर के एवज 1 लाख रुपए तक का मुतालिबा करता था। इन्होंने अपने भागों के लिए अपनी जान भी दी है। दूध की कीमतें बढ़ाओ, गवाले भैंसे लेकर सड़कों पर निकल आए। मेहरान हाईवे पर धरना, पुलिस ने पहले शेलिंग से मुंतशिर किया, फिर पकड़ पकड़ कर अंदर किया। आज मुझे पता चला कि यहाँ पे जो टेस्ट हुई थी उसमें मैं टॉप 10 में सेलेक्ट हो गया हूँ। नन्हा मुल्ला राही हूँ, काम का सिपाही हूँ। थर के सहरा में साइंसी मेले का इनाकाद, नौनिहालों ने कमाल के ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए, देखने वाले दंग नजर आए। और जहां लफ्ज पानी भरे, लुगत हाथ बांधे खड़ी नजर आए। गजल जबाने दिलो हाल बन जाए, रंजो अलम दुख की नई राहें दिखाए। ऐसे शेर का खालिक कोई और नहीं, सिर्फ गालिब ही हो सकता है। आज उनके इंतकाल को 149 बरस बीत गए। अस्सलामुअलैकुम, आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मैं हूं आसमा इकबाल। और आज हम बुलेटिन का आगाज करेंगे इंतखाबी इस्लाहात बिल के हवाले से, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने कहा, अल्लाह न करे कि कोई चोर उचक्का पार्टी का सदर बन जाए। कोई भी डकैत पार्टी का सरबराह बनकर मुल्क पर हुकूमत करे। ये भी रिमार्क्स दिए कि इंतखाबी इस्लाहात एक्ट के आईन के साथ वफादारी नहीं लगती। आर्टिकल 204 के तहत सजा पाने वाला रियासत से वफादार नहीं। पार्टी सरबराह ही आलूदा होगा तो बाकी शफाफ कैसे होंगे? ना अहल शख्स अराकीन पार्लियामेंट से वो कराएगा जो वो खुद नहीं कर सकता। इसीलिए आजाद इलेक्शन लड़ने दिया जाए, वरना अगर कानून कलदम हो गया तो उस पर खड़ा ढांचा भी खत्म हो जाएगा। पार्टी सरबरा आलूदा होगा तो बाकी शफाफ कैसे होंगे? इलेक्शन एक्ट केस में सुप्रीम कोर्ट भड़क उठी। इंतखाबी इस्लाह बिल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान 3 रुकनी बेंच के गर्मा गर्म रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, अल्लाह ना करे कोई चोर उचक्का पार्टी सदर बन जाए। नहीं मान सकते कोई डकैत पार्टी सदर बनकर हुकूमत करे। हमारे वजीर आजम कहते हैं उनके वजीर आजम पार्टी सदर हैं। पार्टी सदर के नामजद करदा उम्मीदवार को ही अराकीन पार्लियामेंट वोट देंगे। कानूनी दफा 203 आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी लगती है। अगर कानून कलदम हुआ तो उस पर खड़ा ढांचा भी खत्म हो जाएगा। उम्मीदवारों को आजाद
आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने दें। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, आईन में नाहिल शख्स को पार्टी सदर बनाने पर पाबंदी नहीं। कानून उसी सूरत का लदम हो सकता है अगर आईन से मुतसादम हो। 62F की नाहली पार्लियामेंटेरियंस के लिए है। सियासी जमात के अराकीन की मर्जी, वो जिसे चाहे अपना सरबरा बनाए। जिस पर जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए, नाहिल शख्स अराकीन पार्लियामेंट से वो कराएगा जो वो खुद नहीं कर सकता। एक मिसाल दे दें कि नाहिल शख्स ने कभी पार्टी टिकट तकसीम किए हों। इंतखाबी इस्लाहात एक्ट की आईन के साथ वफादारी नहीं लगती। आर्टिकल 204 के तहत सजा पाने वाला रियासत से वफादार नहीं। इदारों पर हमला करने वाले पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन ने 3 सियासी जमातों के टिकट के नमूने पेश किए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। मुशाहिद हुसैन के लिए पार्टी टिकट पर नवाज शरीफ ने दस्तखत किए। मुझे किसी की जात से कोई गर्ज नहीं, हमने फैसले में मुस्तकबिल को भी मद्देनजर रखना है। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को दलाइल के साथ 14वीं तरमीम का रिकॉर्ड भी साथ लाने का हुक्म दे दिया। शरीफ फैमिली की मुश्किलात कम नहीं हो रही। नैब ने नाम ECL में डालने की सिफारिश की, तो एहतसाब अदालत ने भी उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। ट्रायल कोर्ट ने मजीद 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड करते हुए नैब के जिमनी रेफरेंस की नकूल भी थमा दी। शरीफ खानदान को इस्तिस्ना नहीं मिलेगा, बैरून मुल्क जाने भी नहीं दिया जाएगा। एहतसाब अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के वकील ने मौकफ अपनाया। नवाज शरीफ को जब बुलाया हाजिर हुए, उनका नाम ECL में भी नहीं है। अहलिया की तीमारदारी के लिए जाना जरूरी है। नए प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत की, बोले मुलजिमान ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुलजिमान का नाम ECL में डालने के लिए खत लिख चुके हैं। मुकदमे में 2 मुलजिमान पहले ही इश्तिहारी हैं। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड की अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और 22 फरवरी को फिर बुला लिया। ट्रायल कोर्ट ने इस्तिखाजा के 4 गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड कर लिए, जबकि नैब की जानिब से अल अजीजिया स्टील मिल और 15 गैर मुल्की कंपनियों के मुकदमात के जिमनी रेफरेंस की नकूल भी मुलजिमान को देने का हुक्म दे दिया। और नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ एक बार फिर अदलिया पर बरस पड़े। एहतसाब अदालत ने पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि हम समझौता करने वाले लोग नहीं। क्या PCO जजेस हमें अखलाकियात का दर्स देंगे? जज साहिबान जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें जेब देता है। यही जबान इमरान खान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस भी इस्तेमाल करे तो उनकी और इमरान खान की जबान में क्या फर्क रह जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, वो कोई और लोग होंगे जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम नहीं है। डिक्टेटर के हल्फ को लेकर वो जज बनता है, जिसको हम PCO जज कहते हैं। PCO जज अखलाकियात का दर्स वो हमें दें, ये मेरा ख्याल है कि जेब नहीं देता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि उनको जेब देती है। यही जुबान इमरान खान भी इस्तेमाल करता रहा है, जो आज ये कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि एक सियासत इमरान खान, सियासतदान इमरान खान और एक चीफ जस्टिस के इस तरह के जो जुबान है, दोनों में फ़र्क क्या रह जाता है? नवाज शरीफ को तो अदालत में पेशियों से निजात नहीं मिल रही, लेकिन उनके मुखालिफ इमरान खान भी अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। चेयरमैन PTI ने आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना और बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। इस मौके पर वो नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाना नहीं भूले और कहा कि मुल्क में मुझे क्यों निकाला का ड्रामा हो रहा है। मजीद ये भी कहा कि नवाज शरीफ NRO के लिए अदलिया पर दबाव डाल रहे हैं। सिर्फ मकसद एक है कि अदलिया के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि किसी तरह NRO मिल जाए। जो पुतला प्राइम मिनिस्टर है, कन्विक्शन से बचने की वजह से ये करोड़ों रुपया खर्च करके कीमे के नान देके लोगों को जलसे कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान को टेररिज्म की लिस्ट में, वॉच लिस्ट में डाला जा रहा है, इससे बड़ा इस मुल्क का फॉरेन पॉलिसी फेलियर नहीं हो सकता।
नाजरीन, आज इमरान खान पेशी के मौके पर खुशगवार मूड में दिखाई दिए, लेकिन साथ ही तंज के तीर भी बरसाए और कप्तान ने माइक पकड़ने का भी अनोखा अंदाज अपनाया। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इमरान खान और आसिफ अली सरदारी को झूठों का आईजी करार दे दिया। कहा, नियाजी साहब इतना झूठ बोल लिया, अब घर चले जाए, सियासत आपके बस की बात नहीं। पेशावर में डेंगू आया तो खान साहब खुद पहाड़ पर चढ़ गए। बूरेवाला में जलसा आम से खिताब में शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि जरदारी साहब आपसे कौम का लूटा हुआ पैसा वापस लेंगे। जरदारी साहब और खान साहब जो झूठों के आईजी हैं, कि जितना आपने झूठ बोल लिया और जितना झूठ और बोलना बोल के खुदा के वास्ते इस कौम पर रहम करें और घर चले जाएं, क्योंकि ये सियासत आपका काम नहीं है। डेंगू आया तो उनके पास इलाज का इंतजाम ही कोई नहीं था, पेशावर में खुद पहाड़ों पर चढ़ गए। 4.5 साल बाद कहते हैं कि सिर्फ 74 मेगावाट बिजली पैदा की। कहां है आसमानों में है, जमीन में कहां है वो बिजली? तो जरदारी साहब, दुनिया के आखिरी कोने से आपकी दौलत ढूंढ कर आवाम के कदमों में निशावर करेंगे। 2018 के इलेक्शन के बाद हम कराची को लाहौर बनाएंगे, पेशावर को लाहौर बनाएंगे और कोयटा को लाहौर बनाएंगे। और अब बात करेंगे भारत की, जो लाख माहिदों के बावजूद अपनी हर धर्मी से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर सरहदी हदूद के खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान के इलाके बसल सेक्टर पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। भारत का निशाना इस बार स्कूल के मासूम बच्चे थे। स्कूल वैन पर हमला हुआ और तालिब इल्म तो महफूज रहे, लेकिन वैन ड्राइवर शहीद हो गया। ISPR ने इस हमले को जिनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी भारत का वतीरा बन गई। भारत ने एक बार फिर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। निशाना बनाया बटल सेक्टर पर स्कूल वैन को। बहादुर ड्राइवर ने बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन खुद शहीद हो गया। ये तो जा रहे थे रास्ते में फायरिंग हुई, तो हम सब बोल रहे हैं, मैंने सोचा कि गाड़ी की किसी जगह लगी है, तो फिर जब देखा तो साजी भाई जो हमारे अंकल थे उन्हें बहुत ज्यादा लगी थी, उन्हें बहुत ज्यादा खून बह रहा था, वो उधर ही शहीद हो गए थे। पाकिस्तान की हदूद की बार बार खिलाफ वर्जी, मासूम शहरियों को निशाना बनाना मोदी सरकार के मकरू चेहरे को बेनकाब कर रहा है। ISPR के मुताबिक स्कूल वैन को निशाना बनाना जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। भारत की जानिब से पाकिस्तानी हदूद में फायरिंग पर वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हुए कहा कि ऐसी इंतहाई गैर इखलाकी हरकत ने भारतीय सफाकियत का चेहरा दुनिया भर में बेनकाब कर दिया है। दूसरी जानिब भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को भी दफ्तर खारजा तलब करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की जानिब से JP सिंह को दिए गए एहतजाजी मरासले में कहा गया कि फायरिंग भारतीय फौज की गैर इखलाकी और गैर पेशावराना सोच की अक्कास है। भारत जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी ना करे, जंग के दिनों में भी स्कूलों और अस्पतालों पर हमले नहीं किए जाते। एक और बड़ी खबर है कराची से, जहां सुपर हाईवे पर नौजवान बाईपास के करीब से एक तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। इसके बाद लवाहिकीन ने लाश के साथ सुपर हाईवे पर एहतजाज किया है और रोड को ब्लॉक कर दिया है। इसी बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस मौजूद है। फैजान जलीस, इस लाश के बारे में क्या पता चल पाया है, किसकी है, लवाहिकीन का कहना क्या है, कब से ये शख्स गायब था? जी बिल्कुल, 2 रोज कबल से ये शख्स जो है वो गायब था, घर से लापता था। मूसा नामी जो है ये शख्स है, जो कि सुपर हाईवे नादरन बाईपास के करीब कई रिहायशी है। तमाम आज सुबह इसकी लाश जो है वो नादरन बाईपास के करीब से मिली थी।
तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई थी, जिसके बाद इसकी शनाख्त अमल में आई। लवाइकिन पाया किया गया, लवाइकिन अस्पताल पहुंची थे तब इसकी शनाख्त हुई थी। तमाम लवाइकिन का ये कहना है कि घर पे कुछ सादा लिबास एहलकार आए थे जो कि सरकारी गाड़ियों में आए थे और मूसा को हिरासत में लेके जो है वो नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया था। तमाम आज मूसा की लाश बरामद हुई, जिसके बाद इसके लवाइकिन की जानब से जो है वो नादरन बायपास टूल प्लाजा के करीब एहतजाज किया जा रहा है, जिसके बाद शदीद जो है वो सुपर हाईवे पे ट्रैफिक जाम है। लवाइकिन का ये कहना है कि मामला अदालत कत्ल किया गया, इसको हिरासत किया, लेकिन किसी किस्म की कोई ना फोन कॉल आया कि रकम का मुतालबा किया गया, ना ही किसी की जानब से कोई ऐसी शिकायत मौसूल हुई। तमाम ये मूसा जो है वो कपड़े का ताजिर बताया जाता है, जो कि जामा किला के करीब अपने भाई के साथ मिलकर कपड़े का काम किया करता है। इसके भाई का ये कहना है कि मुझे भी मूसा के साथ हिरासत में लिया था, लेकिन मुझे जो है वो कुछ देर के बाद छोड़ दिया था और मूसा को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया। आज मूसा की जो है वो तशद्दुद-ज़दा लाश नादरन बायपास से बरामद हुई थी, लाश बरामद हुई है। एहतजाज किया जा रहा है, ट्रैफिक बुरी तरह से मुअत्तल है, लेकिन इसको बहाल करने के लिए यहाँ कोई मौजूद नहीं।